Hey guys, welcome back to the channel. कैसे हम सब लोग किसी वीकेंड में मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ जितना जल्दी मैं आज उठी हूँ, या यूँ भी कह सकते हो कि मैं सो ही नहीं हूँ. सुबह 4 बजे वीडियो डाली है और 7 बजे का अलार्म लगाया था मैंने, मतलब 3 घंटे मैंने रेस्ट किया होगा. हम लोग आ चुके हैं वेन्यू पे, मैं और पैम और लिपि और अमित अभी आ रहे हैं. उन्होंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई है. हम सारे अलग अलग आए हैं एक्चुअली, क्योंकि सामान इतना सारा था ना अपनी गाड़ियों में डालकर आए हैं. यहाँ पर आकर पता चला है कि पूरा ग्राउंड जहाँ पे मैं होली खेलनी थी सब स्नो से भरा हुआ है. मतलब हमने ना ये इतना क्यूट सा स्पॉट फाइनल किया था पहले आकर कि यहाँ पे करेंगे, बिकॉज ये ट्री बहुत प्यारा लग रहा था और इस ट्री को डेकोरेट कर रहा था. मगर अब जो लोग स्नो बूट्स नहीं पहनकर आएंगे वो तो यहाँ एंटर ही नहीं कर सकते, और इसकी जो एंट्रेंस है वो पूरी स्नो से ब्लॉक्ड है. तो वी हैव चेंज्ड आवर लोकेशन, जो हम सोच के भी नहीं गए थे, हमारे डिकोर में भी नहीं थी. बट लेट्स सी, लास्ट मोमेंट के लिए कनाडा में हमेशा रेडी रहना चाहिए. मजदूर लोग ये आ गए, मजदूर लोग भी जो भारी भारी सामान लेके आए हैं. हेलो हेलो हेलो, हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली. आप क्या फिर कि डस्टबिन लेकर आए हो और कुछ नहीं लेके आए हो? और क्या लाना था? चलो गाइस, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ. तो हमारी होली प्ले करने की लोकेशन जो है वो तीसरी बार चेंज हो चुकी है. फिर जब और नए ब्रेन आते हैं ना तो उनको और दिक्कतें समझ में आती है कि यार यहाँ पर भी ठीक नहीं लग रहा है, ग्रास में डांस करना मुश्किल हो जाएगा तो कॉन्क्रीट पे डांस करते हैं. तो अब फाइनली कहाँ सेटअप कर रहे हैं सारा वो दिखाती हूँ मैं आपको. अभी तो हम गाड़ी से और सामान लेने जा रहे हैं, कुछ सरप्राइज भी रखते हैं लोगों को, बाद में दिखाते हैं. हेलो, ये व्लॉग कल आना है. पैम कह रही सब कुछ बताते जा रहे हो यार. गाइस, द वेरी फर्स्ट फुटेज ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद दिस ट्री. गाइस, ये हमारा सेकंड बैकग्राउंड यहाँ पर रेडी हो रहा है, और स्पेशली हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए हमने एक साइकिल तैयार करी है यहाँ पे कि उसके साथ वो भी फोटो करा सकते हैं. वो वहाँ पे हमारा पेड़ रेडी हो गया. इनको जूम करके दिखाती हूँ आपको. ये देखो, ये वहाँ पास जाकर ही पता चलेगा. इसमें कलर्स बहुत प्यारे आ रहे हैं. अभी ये बैकड्रॉप पूरा रेडी हुआ नहीं है, अभी तो ये शुरुआत हुई है. और वहाँ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए हैं हमारी हेल्प कराने के लिए. 10:15 हो रहा है, 10 बजे का ही टाइम दिया था मैंने सबको, बिल्कुल टाइम पर पहुँचे हैं सारे. अब मेन काम शुरू होगा, बिकॉज मैन पावर बहुत आ गई है और दूर से आपको दिख रहा होगा एक कोई फोटो बूथ लेकर आ रहा है. बहुत एक्साइटमेंट चल रही है गाइस. ये देखो वो बाहुबली भाई, ये क्या, हम तो बंदे ही ढूंढते रह गए कि कौन उठवाएगा साथ. अरे रुको रुको, अन्ना लगेगा, रुको ऐसा कर लो. गाइस, मेन एट वर्क देयर, जहाँ पे हमारे फाइनली टेंट सेटअप हो रहे हैं. गाइस, घर पर आई थी तैयार होने के लिए, 11:40 हो गया है. अमित ने कॉल करके मुझे बोला कि डीजे सेटअप हो गया है, फूड ट्रक सेटअप हो गया है, डेकोरेशंस को फाइनल टचेस दे रहे हैं. एक फाइनल टच मेरा भी है जो मैं घर से लेने के लिए आई थी, और अब फटाफट से भागते हैं और होली शुरू करते हैं. वैसे मेरा अटायर देख लो, मैंने कल इंस्टाग्राम में ना पोस्ट डाली थी अपनी वो शादी वाली ड्रेस में, जो मैंने कल शादी पे डाली थी कि मैं होली पे ये डालने वाली हूँ. लोगों ने सीरियसली लिया यार उस बात को. लोग मुझसे पूछे डॉल्टअप होके आना है क्या, इतने भारी भारी फूड डालकर आने हैं यार. मतलब मैंने फूड तो डाला ही है, चिकन कारी कुर्ता. वैसे मैं दिखा ही चुकी थी वीडियो पे कि मैं यही डालने वाली हूँ, बस अब इतनी हॉटनेस हो जाए वहां पे कि ये जैकेट उतार सकूं मैं. गाइस, आधे घंटे के बाद मैं आई हूँ दोबारा से अपने वेन्यू पे, तो देखते हैं कैसा क्या सेटअप हुआ है. ओहो, ये भी सारे हो गए डेकोरेट, जैसे मेरे को लग रहा था वैसे ही हो गए हैं. डीजे शुरू हो चुका है, ये आर्क भी रेडी हो गई है, और ये वाला तो हमारा एक बैकड्रॉप रेडी है ही. यहाँ मैं पीछे साइकिल भी लगा रखी है, डिटेलिंग में ध्यान दो. और ये सारा हमारा टेंट है जिसमें हमारे ये वाटर बबल्स लग गए हैं होली है वाले. गाइस, दिस वाज माय अमेजिंग अमेजिंग टीम जिन्होंने यार ये सारा कुछ कर लिया है. Hello guys! Hello, 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 hello! Shilpa, you have the mic, you don't need to shout! Yeah, you're right. I don't need to shout, okay. Hello guys! Welcome back to the channel! Happy Holi! Happy Holi everyone! Happy Holi! मतलब ना 100 लोगों ने पे किया है, मुझे लग रहा है बहुत सारे कलर बच जाएंगे. इतने ही लोग खड़े हुए बताओ, अभी अभी सब आ जाएंगे. एक्चुअली आई एम गोइंग टू गिव वन पंक्चुअलिटी प्राइज, मगर जिसको देने का नाम सोचा था वो दिख ही नहीं रहा है मेरे को, लगता है वो वापस चला गया अपनी फैमिली को लेने के लिए. सो वी विल डू इट लेटर, बट जितने लोग हम यहाँ पर है गाइस, वी आर स्टार्टिंग होली एज प्रॉमिस्ड. सो हियर इट इज द फर्स्ट सॉन्ग फॉर यू फॉर होली. द डीजे इज ऑल योर्स, द कलर्स आर ऑल योर्स. Oh,
रजा मेरे साथ कुड़िए 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 दिल में बसालिए बात कुड़िए 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 आँख में छोड़ी ना ना इंडिया में होली पे ऐसे रंगों से भरे हुए सड़कों पे घूमते हुए आपने लोगों को देखा होगा। कैनेडा में मैंने किसी को नहीं देखा और मुझे लग रहा है मैं पहला बंदा हूँ जो ऐसे सड़कों पे ऐसे कलर से पूरा भरा हुआ और सड़क पे घूम रहा हूँ। तो मैं घर जा रहा हूँ मम्मा को लेने के लिए। ये पहुंच गया मैं घर, मम्मा को लेने के लिए आया हूँ। सब लोग वहाँ पहुंच गए हैं, मम्मा अभी घर पे ही थे। तो मैंने सोचा था कि ठंड थोड़ी सी ठंड थी तो मैंने सोचा था कि मम्मा को एक बार सब आ जाएं उसके बाद लेने आऊंगा। तो मम्मा को लेकर फिर पहुंचते हैं वहाँ पे और धमाल करते हैं। हैप्पी होली। और क्या, हेलो, हैप्पी होली, हैप्पी होली। एमी यही होगी, एमी नहीं मिली आपको? चलो वहाँ अब रंग से रंग जाओ। होली हम किसी चीज की नहीं मना रहे हैं, कुछ का भी हमारे पास। Yeah.
हम पेरेंट्स ही फेल हो जाएंगे, हमारी डॉटर नहीं आ रही। टू सिक्स फोर ओके ओके, तो हम कुछ नहीं खास करने वाले, पास द पार्सल प्ले करने वाले हैं। आप सारे बच्चे सर्कल में आ जाओ जल्दी से, विल जस्ट टेक 10 मिनट्स यार, उसके बाद हम लोग फिर डांस करेंगे अगर बड़े लोग अभी से बोर होने लग गए हैं तो। ओके, तो हम लोग ये चॉकलेट का पैक मूव करेंगे, जिसके ऊपर म्यूजिक रुक गया फिर वो आउट होता जाएगा और जो लास्ट में बचेगा उसका फिर ये पार्सल हो जाएगा। ठीक है, डन, जल्दी जल्दी प्ले करेंगे, जल्दी जल्दी। ओके, हियर गोज द म्यूजिक। ऐसी उलझी नजरों से हटती नहीं। सॉरी कियारा, कियारा को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। गुड जॉब भाई। चले गाइस, अब ये गेम इसलिए खेली थी कि सारे लोग इधर उधर हो गए थे। डांस फ्लोर है अभी हमारे पास 45 और मिनट्स, ठीक है, 3 बजे के बाद नहीं चलाऊंगी, मगर उससे पहले रुकना भी नहीं चाहिए। वन थिंग राइट, हैप्पी होली एंड व्हाट वी वांट फ्रॉम शिल्पा इज आई डोंट नो, मे बी सम शायरी और सम पोएम और मे बी सम सॉन्ग, डांस सॉन्ग और सम डांस। सभी लोग कर रहे हैं, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, सभी लोग नहीं, हम तो नहीं छोड़ेंगे, अमित और शिल्पा को हम नहीं छोड़ने वाले। अमित का डांस, शिल्पा का सॉन्ग, शिल्पा का सॉन्ग, मतलब एक काम करो, नहीं एक काम करो, नागिन डांस ही करा लो। बाई चांस इस बार मैं कैनेडा में था तो मैंने शिल्पा को मैसेज किया, शिल्पा व्हाट आर यू डूइंग, लाइक आपका प्लान है, तो शी सेड आ जाओ, तो मैं आ गया। थैंक यू सो मच अमित भाई, आपको जब भी शॉपिंग लेके जाते हैं ना शिल्पा, मैं बड़ा खुश होता हूँ। अच्छा ऐसा क्यों? क्यों? अच्छा शिल्पा ये कैसा लग रहा है अमित, आपके पास है तो है ना, छोड़ो। एमी का जो मुझे गाना बड़ा पसंद है, दादी आएगी तो पेड़ियां खिलाएगी। एमी, अच्छा आंटी जी नमस्कार। अच्छा देखो, आपके बेटे और बहू ने आपको बड़ा पॉपुलर कर दिया है, ठीक है, जब आप बच्चों के साथ मार होती है। हाँ जी, बच्चों के साथ मार होती है, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आपकी वजह से तो ये सब लोग हैं, हम भी आपकी वजह से। और आपके आलू के पराठे इज आल्सो वेरी फेमस बाय द वे। अच्छा अगर कभी शिल्पा ने मुझे घर बुलाया ना तो मुझे पराठे खिला देना। अच्छा तुम्हें मेरा गाना सुनने वाला बड़ा पॉपुलर है, मैं मेरा टैची कई बार रोए, जिन्नी बारी मां नू छड, जिन्नी बारी प्यो नू छड, पिंडो दूर होया, मैं ते मेरा टैची। गाइस हमारा इवेंट इतना मजेदार था ना, और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था ये डीजे दुसंच, ओ माय गॉड क्या नचवाया इन्होंने हमारे को, थैंक यू सो मच जी।
थैंक यू सो मच. थैंक यू. और बस अब सब कुछ रैप अप हो रहा है क्योंकि बहुत ठंड हो चुकी है. मतलब जैसे भगवान ना मेरे फेवर में ही था, भगवान ने 3 बजे तक मौसम को बिल्कुल टिका के रखा है. 2:45 तक कोई हवा नहीं थी, सबने बहुत मजे किए. यहाँ पर आप हालत देख सकते हो स्नो की भी. यह पेड़ हमारा, इसको खाली करना है. यहाँ पे लोगों ने बहुत फोटोज कराई है, बहुत ज्यादा मेहनत सफल हो गई. अब हम सब कुछ रैप अप कर रहे हैं, मोस्टली लोग जा चुके हैं. एग्जैक्टली 3 बजे हम लोग रैप अप कर रहे हैं अपना. भैया फूड ट्रक ने भी बहुत खिलाया लोगों को, जितने लोग डीजे पर थे उतने ही फूड ट्रक पे थे. हाँ जी सरदार जी, बंद कर रहे हो अपना? थैंक यू फोन में. बहुत बहुत जबरदस्त खाना था भाई. गाइस हर उस इंसान को जो इस इवेंट का पार्ट था, जिसने मतलब आप ही सभी लोग थे जिन्होंने ना यार ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, जिन्होंने यार हेल्प करी. अकेले का बस का नहीं था. और क्या सक्सेसफुल इवेंट हुआ है. सभी लोग बोल कर गए कि उन्होंने बहुत बहुत मजे किए, हमने बहुत मजे किए. कॉन्फिडेंस आ गया कि यार इवेंट कर सकते हैं. अब ये सारा रैप अप कराऊँ, घर पे मिलती हूँ आपको. गाइस घर पहुंच गए हैं, कलर वलर उतारा है. और अब हम सारे वो लोग हैं जिन्होंने ना वाइंड अप किया है काम को, ठीक है. और अब हम सारे आए हैं चाय पीने के लिए. मतलब वो लोग कौन होते हैं जो चाय नहीं पीते? थे ऐसे 2-3 लोग जिन्होंने वाइंड अप कराया. मैं कहा घर चलो चाय पीते हैं, चाय तो हम नहीं पीते. मैं कहा ये भी लोग होते हैं दुनिया में जो चाय नहीं पीते हैं. तो चलो सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, बहुत बहुत अच्छे से. धूप देखो कितनी बढ़िया आई हुई है, इस धूप ने बचा लिया. हमारा टेम्परेचर तो -1 था व्हेन वी स्टार्टेड प्लेइंग होली. मगर एक तो धूप और एक एक्साइटमेंट और हवा बिल्कुल भी नहीं थी. ये 3 कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे थे. ये बताओ होली में ठंड लगी कि नहीं लगी? नहीं ठंड तो थी, बाकी मौसम सही था, वो बर्फ की ठंड थी. लेकिन हमारे में जिन्होंने प्ले किए ना, हमें नहीं लगा. मैं तो बैठे-बैठे कार्डियो हो गया. 2:15 बजे तो मैंने जैकेट भी नहीं पहनी, 2:30 बजे शायद मैंने जैकेट पहनी है. बिना जैकेट घूम रहे थे हम लोग तो भाई. मुझे ये था 2:30 बजे मैं वो इंसान हूँ, कुछ नहीं पीती हूँ मैं. गाइस आपको हमारा होली व्लॉग कैसा लगा? थोड़ा सा ऐसा लगा कि काश यार हम लोग भी इस पार्टी में होते. प्लीज लिख देना यार कमेंट्स में कैसा लगा. अच्छा लगेगा मुझे देखकर. अगले साल कौन कौन होली पार्टी पे आ रहा है ये मुझे अभी से ही बता दो तो मुझे पता चल जाएगा. मुझे 100 का परमिट लेना है कि 200 का परमिट लेना है कि 500 लोगों का परमिट लेना है. इस बार मुझे लगा कि 100 का मैंने बहुत कम लोगों का परमिट लिया था. वी वर अराउंड 120 पीपल इन द पार्टी. मुझे लगा कि यार अगर मैंने 200 लोगों का भी परमिट ले लिया होता ना तो हम लोग 200 लोग भी हो जाते. एनीवेज गाइस आप वीडियो को लाइक कर दो. प्लीज कॉमेंट्स करके बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा. बहुत मेहनत करी थी यार हमने होली पार्टी में और उतना मजा भी किया था. मतलब एवरी सिंगल पर्सन जो आया था ना वो यही बोल कर गया कि यार ये उनकी ना कनाडा की बेस्ट होली पार्टी थी. बस ये यही चाहिए था. चलो बर्थडे शाउटआउट्स है मेरे पास. एक तो बर्थडे है March 27 को दिव्या सूरी का और एक प्रेशा बख्शी का. तो आप दोनों को विश हो वेरी हैप्पी बर्थडे. और एक स्पेशल शाउटआउट है भव्य के नाम, क्योंकि उस बच्चे का बर्थडे था फरवरी में और उनकी मम्मा ने मुझे इतना लेट बताया तो मैंने कहा चलो एक स्पेशल शाउटआउट दे देते हैं. तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही. मुझसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना. बाय.